हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमन एरर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, इसमें जो है सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो यहाँ पे जो है राइज होता है, RISE, राइज जो है अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म जो है ये रोज होता है, ROSE, रोज। और इसका थर्ड फॉर्म जो है ये होता है राइजन, RISEN, राइजन। ये है थर्ड फॉर्म, ये जो है सेकेंड फॉर्म है, और ये यहाँ पे दिया है फर्स्ट फॉर्म। तो राइज का मतलब होता है उठना, तो राइज का मतलब होता है उठना। अगर बात की जाए, जब कई सवालों की बात की जाए, जब कई सवाल उठाने की बात की जाए, तो वहां पे जो है आप रेज यूज करेंगे, RAISE। तो यहाँ पे जो है रेज यूज करेंगे जब आपको कई सवाल उठाना हो। तो यहाँ पे क्लास में कई क्वेश्चंस की बात की गई है, मैनी क्वेश्चंस की बात की गई है, तो यहाँ पे रेज का यूज करेंगे, ना कि राइज का। तो राइज का मतलब होता है उठना, और रेज का मतलब होता है कई क्वेश्चन उठाना। तो यहाँ पे जो है रेज अपने आप में जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रेज का जो सेकेंड फॉर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेज्ड, और थर्ड फॉर्म जो है ये भी रेज्ड होता है। तो आप लोग याद रखिए, तो यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है रेज्ड ही होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग रेज्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनी क्वेश्चंस की बात की गई है। अगर एक क्वेश्चन की बात की जाती तो यहाँ पे जो है राइज का सेकंड फॉर्म सही था, लेकिन मेनी क्वेश्चंस की बात की गई है तो यहाँ पे जो है रेज का जो थर्ड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म है ये रेज्ड होता है, RAISED। तो यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, RAISED। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे और क्या यूज करेंगे, RAISED, raised यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में एरर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है बोर्न, ये जो है बियर का थर्ड फॉर्म है, और बियर में बता देता हूँ आपको, BEAR, बियर जो है इसका जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात की जाए तो सेकेंड फॉर्म जो है ये होता है बोर, BORE, और जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है बोर्न, BORN। तो यहाँ पे जो बियर लिखा है, बियर का मतलब होता है पैदा करना, और एक होता है सहन करना। तो दोनों आप लोग याद रखिए, एक मतलब होता है सहन करना, एक होता है पैदा करना। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स की बात की गई है, पुअर पेरेंट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है सहन करने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे पैदा करने की बात की गई है। तो यहाँ पे बियर अपने आप में जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म बोर होता है, और थर्ड फॉर्म जो है बोर्न होता है, BORN। और ये जो बियर लिखा है जिसका अर्थ होता है सहन करना, ये जो है अपने आप में जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म जो है ये बोर ही होता है जो ऊपर लिखा है, और थर्ड फॉर्म जो इसका होता है जिसका अर्थ होता है सहन करना, इसका थर्ड फॉर्म होता है BORNE। तो यहाँ पे जो है जो सहन करना है ये यहाँ पे जो है ऊपर लिखा है, और आना चाहिए क्या, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे पैदा करने की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे BORN होना चाहिए, BORN, ना कि BORNE, क्योंकि इसका मतलब होता है सहन करने से। तो मैंने आपको दोनों बियर बता दिए हैं, जिसका अर्थ होता है पैदा करना। इसका जो है सेकेंड फॉर्म सेम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है। जो यहाँ पे लिखा था ये लिखा था, और यहाँ पे होना चाहिए BORN, क्योंकि यहाँ पे पुअर पेरेंट्स की बात की गई है, मतलब पैदा करने की बात की गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहले वाला आएगा, तो यहाँ पे जो है BORNE नहीं आना चाहिए, बोर्न आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है इसके ए पार्ट में एरर है।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो है इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा है फाउंड, यहाँ पे फाउंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है फाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसके बी पार्ट में एरर है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए फाइंड को। तो फाइंड का मतलब होता है टू सर्च, मतलब कि सर्च करना। तो फाउंड का जो सेकंड फॉर्म होता है और जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है फाउंड। तो फाइंड का जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है क्या, ये होता है फाउंड। तो यहाँ पे जो है फाउंड ये लिखा था यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है सर्च करना, फाइंड का मतलब होता है सर्च करना। तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है फाउंड होता है। और जबकि जो फाउंड है, जो फाउंड है इसका मतलब होता है स्थापित करना। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के स्थापना की बात की गई है, मतलब स्थापित की बात की गई है। तो फाउंड जो है, तो फाउंड का जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है ये होता है फाउंडेड। तो यहाँ पे जो है फाउंडेड होना चाहिए, ना कि फाउंड। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप इसको फाउंड को हटा दीजिए और फाउंडेड यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइंड का सेकंड फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म फाउंड होता है, जिसका अर्थ होता है सर्च करना। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्थापित होने की बात की गई है। तो यूनिवर्सिटी के स्थापित करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं ये फाउंड यूज करते हैं। तो फाउंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है फाउंडेड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे फाउंडेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फाउंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब इसके बी पार्ट में एरर है। आप लोग इसको सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो है आई के बॉस जो है कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट अपने आप में जो है नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो है वर्ब आनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है क्या, ये होता है शिकायत। तो यहाँ पे आई के बाद जो है यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे जो कंप्लेंट लिखा है तो यहाँ पे कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो है कंप्लेन का सेकेंड फॉर्म कंप्लेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सी ओ एम पी एल ए आई एन, कंप्लेन का जो अपने आप में जो है ये वर्ब है, इसका जो है ये लिखा जो है ये कंप्लेंट, ये जो है नाउन है जिसका अर्थ होता है शिकायत। तो यहाँ पे जो है कंप्लेन का सेकंड फॉर्म जो है कंप्लेंट होना चाहिए। इसमें आप ई डी लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो है नाउन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। तो कंप्लेन का जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है ये कंप्लेंट होता है। तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका जो है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वर्ब को देखिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसमें दो पार्ट में एरर है। इसमें ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में जो है दो पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे लिखा है द टफ के बाद यहाँ पे जो है वर्ब जो दी है ये दी है सिंगुलर वर्ब। जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब हमारी जो है ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिए। और जब हम नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं, जब हम नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं, नाउन हमारा जो बन जाता है ये बन जाता है प्लूरल नाउन। आप ये सभी लोग को मैंने बताया है काफ़ी बार, जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब दी है, तो वर्ब जो है वर्ब में एस या ई एस दिया है, तो यहाँ पे एस जोड़ा है सर्वाइव में। तो ये वर्ब जो है हमारी ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आने चाहिए, यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। और प्लूरल वर्ब क्यों आनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस में आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लिया यहाँ पे द टफ मैन लिखा होता तो सेंटेंस में जो है मैन के अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब ये कदम करेक्ट थी। तो ये यहाँ पे जब मैन को आप हटा देंगे तो टफ की बात की गई है। टफ अपने आप में जो है एडजेक्टिव है जो कि नाउन की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पे पूरे कम्युनिटी की बात की गई है, पूरी कम्युनिटी में जो है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे एस को आप हटा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरी मिस्टेक कहाँ है, दूसरी मिस्टेक जो है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। तो अफेक्ट जो है अपने आप में जो है वर्ब है, और यहाँ पे आना चाहिए क्या, नाउन आना चाहिए, क्योंकि परमानेंट के बाद यहाँ पे जो है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट।
तो परमानेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, परमानेंट इफेक्ट होना चाहिए। मतलब कि परमानेंट इफेक्ट होना चाहिए, ना कि अफेक्ट। ये इफेक्ट जो है अपने आप में जो है नाउन है, और यहाँ पे जो लिखा है ये अपने आप में वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे इफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सर्वाइव्स जो लिखा है इसमें आप एस हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे द टफ लिखा है, यहाँ पे टफ जो है एडजेक्टिव है जो कि नाउन की तरह यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पूरे कम्युनिटी की बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है सर्वाइव हो जाएगा, और यहाँ पे अफेक्ट की जगह इफेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नाउन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है लूज, लूज अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, लूज अपने आप में एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है क्या, आप सभी को पता होगा लूज मतलब होता है ढीला। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ये वर्ब होना चाहिए, क्योंकि जो है लूज माई टेम्पर का जो मतलब होता है ये होता है कि आपा खोना। तो यहाँ पे आपा खोने की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ढीला, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो है ये आना चाहिए लूज, LOSE, लूज, जिसका अर्थ होता है ये अपने आप में जो है वर्ब है। तो लूज माई टेम्पर जो है अपने आप में फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है आपा खोना। तो यहाँ पे पूरा फ्रेज आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको आप हटा देंगे, क्योंकि लूज माई टेम्पर का अर्थ होता है कि आपा खोना। तो यहाँ पे आपा खोने की बात की गई है, तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसके बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे लूज को आप हटा के यहाँ पे वर्ब लिख लीजिए, LOSE, ये लिख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ही लेड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले शुरुआत में जो लिखा है लेड, इसको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो लेड लिखा है ये जो है लाई का सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी लेडी होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ये सेकंड फॉर्म लिखा है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो होता है LIE, मैं दो बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक अर्थ होता है लाई मिस लेटना, एक दूसरा अर्थ होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पे झूठ बोलने की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रास में लेटने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है ग्रास पे लेटने की बात की गई है, तो जिसका अर्थ होता है लेटना, इसका जो है सेकंड फॉर्म जो है ये होता है ले, और थर्ड फॉर्म जो है ये होता है लेन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है ले आना चाहिए, ना कि लेड। लेड जो है जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना, इसका जो सेकंड फॉर्म है ये होता है LIED। तो ये यहाँ पे लिखा है जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ले, क्योंकि यहाँ पे लाई मीन्स लेटना होता है, जिसका सेकंड फॉर्म जो है ले होता है, ना कि झूठ बोलना के लिए लेड। तो यहाँ पे ले आना चाहिए, जिसकी बात हो गई है घास पे लेटने की बात, इसलिए यहाँ पे लेटने के अर्थ में यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है ले आना चाहिए, LAY। तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में एरर है, आप लेड को हटा के यहाँ पे ले लिख दीजिए सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो इसमें आप लोग सोच लिए किस पार्ट में एरर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ओवरफ्लू लिखा है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जो ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है जो कि अपने अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है ओवरफ्लूड, ये होता है ओवरफ्लूड। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो यहाँ पे आप लोग ओवरफ्लूड लिख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओवरफ्लू को आप हटा दीजिए, ओवरफ्लूड होता है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आना चाहिए, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, तो ओवरफ्लू की जगह ओवरफ्लूड लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ले को। तो यहाँ पे जो ले दिया है अपने आप में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
ये की जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है पास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे ले की जो सेकंड फॉर्म होती है लेड LAID, ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म LAID यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। ले जो है अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है ही के साथ कभी भी आप लोग याद रखिए, ही के साथ जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एस और ई एस इसमें नहीं दिया, तो यहाँ पे जो है पास्ट में सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म LAID यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ले का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ये सेम होता है LAID, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा ए पार्ट मिरर है, तो हाँ यहाँ पे जो है आप लोग LAID लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो यहाँ पे जो है आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है, तो सबसे पहले मैं जो है वर्ब को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फेल लिखा है ये जो है फॉल की सेकंड फॉर्म है, जो फेल लिखा है यहाँ पे ये जो है फॉल की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है ये फॉलन होती है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो है फॉल, यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म जो है फेल लिखा है, तो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है बी फेल होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बी FEL बी फेल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बी फॉल का जो सेकंड फॉर्म होता है ये होता है बी फेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है बी फॉल का सेकंड फॉर्म है बी फेल, और बी फेल क्यों होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। बी फॉल का जो अर्थ होता है ये होता है घटित होना, किसी चीज़ का घटना का होना, तो यहाँ पे घटने की बात हो रही है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है विलेज में घटना का पड़ना या फिर घटना होना की बात की गई है, तो यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बी फेल होना चाहिए, BEFELL बी फेल जो है बी फॉल का सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है बी फॉलन होता है, तो बी फॉलन कैसे लिखेंगे, बी फॉलन, तो मैं आपको बता दिया हूं बी फॉलन ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहां पे सेकंड फॉर्म होना चाहिए बी फेल का, तो बी फॉल का सेकंड फॉर्म जो है बी फेल है, BEFELL जिसका अर्थ होता है कि मतलब कि घटना का होना या फिर घटना घटित होना, तो विलेज में घटना घटित हुई है, तो इसलिए यहाँ पे फेल को हटा के बी फेल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर था, तो आप इसको जो है इसको हटा के आप यहाँ पे लिख लीजिए बी फेल, और बी फेल जो है किसका सेकंड फॉर्म है, ये है बी फॉल का, बी फॉल का सेकंड फॉर्म है, आप लोग देख लीजिए। और थर्ड फॉर्म जो है ये होता है बी फॉलन, बी फॉलन होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये है इसका B2 मतलब कि सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हंग लिखा है ये हंग जो है ये हैंग का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है टांगना। इसका जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो है ये हंग ही होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होता है हैंग का, जिसका अर्थ होता है टांगना, लेकिन यहाँ पे जो है फांसी की बात हो गई है, तो यहाँ पे जो है फांसी लगाने की बात हुई है, तो यहाँ पे जो है हंग नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है एक होता है हैंग, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, यहाँ पे जो है इसका अर्थ होता है फांसी लगाना, एक होता है हैंग मतलब होता है टांगना, जिसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ये हंग होता है जो ऊपर लिखा है, और एक होता है हैंग जिसका अर्थ होता है फांसी लगाना, इसका जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है ये होता है हैंग्ड, तो यहाँ पे जो है हैंग्ड होना चाहिए ना कि हंग, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे टांगने की बात नहीं हुई है, यहाँ पे फांसी लगाने की बात हुई है, यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे जो है हैंग्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप इसको हंग को हटा दीजिए और हैंग्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सी पार्ट में एरर था, आप लोग यहाँ पे इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जो है हैंग्ड यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इफ ही लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक
बिफोर 9 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, आप एक रूल याद रखिए, रिटर्न के बाद कभी भी बैक का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट के बाद कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। जो रिपीट होता है, रिपीट के बाद कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। आप ये चीज़ याद रखिए, रिपीट के बाद कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करेंगे और रिटर्न के बाद कभी भी बैक का यूज़ नहीं करेंगे और कभी भी आप एंटर के बाद इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। एंटर के बाद कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, रिपीट के बाद कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करेंगे और रिटर्न के बाद कभी भी बैक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिए, जो है बैक, अगेन और इनटू को आप हटा दीजिए। जिसके साथ मैंने आपको जो बताया है वो आप याद रखिए। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, आप बैक को हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू अग्री इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहली वर्ब जो दी है ऑफर्ड दी है, दूसरी जो है यहाँ पे रिफ्यूज्ड दी है और यहाँ पे तीसरी जो है अग्री दी है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में जो अग्री लिखा है, अग्री का क्या मतलब होता है? अग्री का मतलब होता है कि किसी चीज पे मैं अग्री हूँ, अग्री या फिर डिसअग्री, तो मतलब मेरा मत है। तो यहाँ पे उसके रिटायरमेंट के बाद जो भी उसको ऑफर किया गया है कंपनी के द्वारा, उसको वो एक्सेप्ट करेगा, ना कि उसका मन है लेना या नहीं लेना है। तो यहाँ पे अग्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पे अग्री को आप हटा देंगे और यहाँ पे जो है एक्सेप्ट को आप लिख देंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे सेंटेंस में जो है सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे उसको कंपनी के द्वारा जो रिटायरमेंट के बाद ऑफर किया गया है उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि उसका मत है लेना या नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ACCEPT एक्सेप्ट, ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अग्री को आप हटा दीजिए, एक्सेप्ट यहाँ पे लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइविंग इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लूड बाई द किडनेपर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बोज के बाद जो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है ड्राइविंग, यहाँ पे ये करेक्ट है। यहाँ पे जो दी है स्लूड जो है स्ले का जो है यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे ये गलत है। बोज के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्ले होता है, स्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है स्लेन, SLAIN, ये होता है स्लेन, ना कि स्लूड। तो यहाँ पे ये स्लूड आप हटा दीजिए और स्लेन यहाँ पे लिख दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका थर्ड फॉर्म जो है स्लू होता है और थर्ड फॉर्म जो है स्लेन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्लेन आना चाहिए, ना कि स्लूड। स्लूड जो है करेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्लेन आप लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे स्लूड को आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोज के बाद वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आना चाहिए और यहाँ पे जो लिखा है स्लूड ये गलत है। स्ले का जो है अपने आप में वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ये होता है स्लू और थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है स्लेन। तो यहाँ पे स्लेन आप लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्वड मर्डर केसेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो लिखा है कंक्लूसिवली और यहाँ पे लिखा है सस्पेक्टेड, तो यहाँ पे जो कंक्लूसिवली लिखा है ये अपने आप में जो है ये है एडवर्ब, ये अपने आप में एडवर्ब है। और जो यहाँ पे सस्पेक्टेड लिखा है ये अपने आप में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब जिसका अर्थ होता है कंक्लूसिवली का मतलब होता है टू कंक्लूड, कंक्लूसिवली जो है ये कंक्लूड से बना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्लूड। तो यहाँ पे कंक्लूड से बना है, तो कंक्लूड का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट के अकॉर्डिंग इसको जो है एंड कर दिया गया है, मतलब कि कंक्लूड कर दिया गया है। और आगे जो है सस्पेक्टेड भी लिखा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, मतलब उसे शक है। तो यहाँ पे दोनों शब्द नहीं आ सकते हैं कि एक तरह से उसको कंक्लूड भी कर लिया गया है बिना किसी डाउट के और दूसरी तरफ उस पर शक भी किया जा रहा है। यहाँ पे जो लिखा है conclusively adverb और यहाँ पे suspected जो verb लिखा है ये अपने आप में contradict कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है conclusively मतलब होता है conclude, मतलब कि बिना किसी doubt के जो है conclude कर लिया गया है, मतलब कि उसको end कर दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है आगे suspected, मतलब कि उस पर doubt है अभी। तो यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे conclusively को आप हटा देंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही बोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत नहीं
नहीं है तो एडवर्ब को आप हटा देंगे, तो यहाँ पे जो है ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है कंक्लूसिवली को आप हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी है डेयर्ड, तो डेयर्ड का मैं यहाँ पे डेयर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डेयर लिखा है ये जो यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद डेयर के बाद हमेशा आगे जो है इन्फिनेटिव आती है, मतलब कि 2+B1 आती है। तो यहाँ पे 2+B1 नहीं है, तो यहाँ पे स्टील के पहले आप 2 लिख देंगे तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, डेयर मेन वर्ब के बाद हमेशा आगे जो है 2+B1 आती है, मतलब कि इन्फिनेटिव आती है। तो ये आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे 2 स्टील यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्टील के पहले आप 2 लिख लीजिए तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें सी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है पास्ट टेंस की एबिलिटी को दर्शाया गया है, तो पास्ट टेंस की एबिलिटी को दर्शाने के लिए जो है कैन का यूज नहीं करते हैं, तो ये यूज करते हैं कुड का, ये आप सभी को पता होगा। तो जब सेंटेंस में पास्ट टेंस की एबिलिटी को दर्शाया जाता है तो हमेशा आप कैन की जगह आप हमेशा कुड यूज करेंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है बीट पार्ट में एरर था, कैन की जगह आप कुड कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा है नीड्स जो है अपने आप में जो है मेन वर्ब नहीं है, ये जो है एक मॉडल है, ये जो है एक मॉडल है, आप सभी लोग याद रखिए। यहाँ पे जो है जो नीड्स नॉट लिखा है, तो यहाँ पे जो नीड लिखा है ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो है मॉडल है, ये आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे जो नीड्स लिखा है तो यहाँ पे नीड्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप नीड्स की जगह नीड लिख दीजिए तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ये नीड्स जो लिखा है ये मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल है, इसलिए यहाँ पे जो है आपको नीड करना होगा तो सेंटेंस हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको आप है एस को आप हटा दीजिए, नीड नॉट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए पार्ट में एरर था, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नीड जो यूज हुआ है ये मॉडल की तरह यूज हुआ है, तो ये आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ही डेयर नॉट टू गो देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो डेयर दिया है, यहाँ पे जो है ये मॉडल है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो है ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ना कि 2+B1। तो यहाँ पे 2+B1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसमें बी पार्ट में एरर था। तो यहाँ पे कभी भी आप याद रखिए, मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि 2+B1, तो 2 को आप हटा देंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर था, 2 को आप हटा दीजिए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आई यूज टू प्ले हॉकी आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसमें जो है किस पार्ट में एरर है। जब पास्ट टेंस के रूटीन एक्शन की बात की जाए तो हमेशा आप यूज टू प्लस बी वन यूज करेंगे, आप ये याद रखिए, यूज टू प्लस बी वन आप हमेशा यूज करेंगे। जब जो है आपके पास्ट टेंस में रूटीन एक्शन की बात की जाए तो हमेशा आप यूज टू प्लस बी वन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में जो है यूज की जगह आप यूज लिख दीजिए, यूज टू प्ले, यहाँ पे सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है ए पार्ट में एरर था, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में जो है पास्ट टेंस के रूटीन एक्शन की बात की गई है, इसलिए हमेशा आप जो है यूज टू प्लस बी वन यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज की जगह यूज कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अ सोल्जर कुड फाइट, तो यहाँ पे जो लिखा है कुड फाइट, तो यहाँ पे जो कुड दिया है ये अपने आप में जो है मॉडल है, जिसका अर्थ होता है, मॉडल क्या होता है, मॉडल जो होता है ये मूड या फिर टोन को दर्शाता है, तो मतलब कि उसका मूड क्या है। तो यहाँ पे कुड का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस में जो है पॉसिबिलिटी की बात की जाए, मतलब कि ये वो कर सकता है। तो यहाँ पे सोल्जर की बात की गई है, तो सोल्जर की जो है ये ड्यूटी है या फिर उसका वो मन है कि वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे वो उसकी ड्यूटी है, उसको इसीलिए रखा गया है, मतलब कि
फाइट करने के लिए तो सोल्जर को रखा गया है कि वो देश को बचाए, देश का जो है डिफेंस करे। तो यहाँ पे जो है सोल्जर का ये ड्यूटी है, और ड्यूटी के लिए हमेशा आप जो है ड्यूटी के लिए हमेशा जो है मॉडल मस्ट या फिर ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखिए, ड्यूटी में जो है आप हमेशा मस्ट टू या फिर ऑट टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुड को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे मस्ट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सोल्जर की जो है ये ड्यूटी है, और ड्यूटी के लिए जो मॉडल यूज़ करेंगे ये जो है मस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी की बात तो की गई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर का मन थोड़ी ना है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो उसकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी को दर्शाने के लिए मस्ट का यूज करना होगा। तो यहां पे आप सेंटेंस में जो है कुड को हटा दीजिए और यहां पे जो है मस्ट यूज कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो यहां पे आप एक चीज याद रखिए, किस पार्ट में एरर है आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा है वुड रेदर, तो यहाँ पे रेदर के बाद आगे जो वुड रेदर के बाद आगे जो आता है ये टी एच ई एन नहीं आता है, ये आता है टी एच ए एन। तो यहाँ पे टी एच ए एन आना चाहिए, यहाँ पे शुरुआत में जो दिया है वुड रेदर दिया है, तो आगे जो है देन आना चाहिए टी एच ए एन वाला। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे आप देन लिख लीजिए, ये वाला टी एच ए एन वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी सेंटेंस में आपको लेस्ट देखने को मिल जाता है तो लेस्ट के बाद आगे जो भी आता है ये आता है शुड, आप ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे जो है विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे शुड आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है विल की जगह आप शुड कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है सी पार्ट में एरर था, आप लोग इसको सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो है पास्ट टेंस में दिया है, तो यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वुड आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो है पास्ट में दिया है, तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वुड आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बी पार्ट में एरर था, आप इसको सही कर लीजिए, विल की जगह वुड कर दीजिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पे विल की जगह बोर्ड आना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है नीड और डेयर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको नीड और डेयर के बाद आगे आपको नॉट देखने को मिल जाता है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आगे कभी भी आप टू नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कभी भी आप इसमें जो है टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें जो है बी बनाएगी, आप ये याद रखिएगा। और कभी भी इसमें एस नहीं लगा सकते हैं, और इसमें भी कभी भी एस नहीं लगा सकते हैं जब ये इसमें नेगेटिव दिया हो, मतलब नॉट दिया हो, इसके बाद टू भी नहीं आएगा। जब सेंटेंस में नेगेटिव दिया है नॉट, तो कभी भी आप टू नहीं लगाएंगे, ना इसमें एस लगाएंगे, केवल डायरेक्ट बी वन लिखेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में तो सही दिया है, आगे जो है यहाँ पे नॉट दिया है सेंटेंस में, तो यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट जो है वी वन आने चाहिए। तो ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, टू को आप हटा दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट दिया है, तो डायरेक्ट बी वन आएगी, ना कि टू प्लस बी वन, और यहाँ पे जो है एस भी नहीं आ सकता है, जैसे डेयर्स और नीड्स कभी भी नहीं हो सकता है जब सेंटेंस नेगेटिव है हमारा। तो यहाँ पे जो है नीड नॉट दिया है, इसलिए यहाँ पे नॉट टू को हटा देंगे, और यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बर्फ की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टू को आप हटा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 जो है, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो है यहाँ पे वुड दिया है, तो वुड जो है एक अपने आप में मॉडल है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो है ब्रेक आना चाहिए, ना कि ब्रोक। तो यहाँ पे जो है ब्रेक आप लोग लिख लीजिए, बी आर ई ए के,
यहाँ पे जो है ब्रेक आना चाहिए ना कि ब्रोक। तो ब्रोक जो है ब्रेक का जो है सेकंड फॉर्म है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे वुड जो लिखा है ये जो है अपने आप में मॉडल है, इसके बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो ब्रोक लिखा है, ब्रोक की जगह ब्रेक लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी आर ई ए के, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ब्रोक को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी आर ई ए के, ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सही कर लीजिए क्योंकि वुड जो है अपने आप में मॉडल है, इसके बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि सेकंड फॉर्म, तो इसको आप सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो शुरुआत में सेंटेंस जो है ये पास्ट में दिया है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ये आना चाहिए माइट, मे का पास्ट, तो यहाँ पे जो है माइट आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है पास्ट में दिया है, इसलिए यहाँ पे जो है मे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे माइट आना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28, रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर लिखा है एकदम गलत लिखा है, तो यहाँ पे जो है मस्ट नॉट हैव होता है ना कि टू, तो यहाँ पे टू को आप हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो गलत लिखा है, मस्ट नॉट के बाद डायरेक्ट हैव होता है ना कि टू बीच में आता है, तो टू को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में एरर है, टू को आप हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ पॉसिबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको शुड बी देखने को मिल जाता है तो आगे हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज आप याद रखिए। तो यहाँ पे जो रिसाइकिल लिखा है, इसको आप रिसाइकिल को रिसाइकिल्ड कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको आप रिसाइकिल्ड कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे रिसाइकिल्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शुड बी के बाद हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आती है आगे, ये थर्ड फॉर्म आती है ना कि फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे रिसाइकिल्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ सेंटेंस में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफेलाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया है कैन नॉट, तो यहाँ पे जो कैन दिया है, कैन नॉट से मैंने कैन को ले लिया है, कैन अपने आप में जो है मॉडल है, ये जो है क्या बताता है, ये चीज किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बताता है और किसी चीज की एबिलिटी को बताता है, किसी चीज़ की एबिलिटी को बताता है और पॉसिबिलिटी को बताता है कि ऐसा काम हो सकता है। तो यहाँ पे कैन नॉट दिया है मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, और आगे दिया है बी एबल टू, यहाँ पे बी एबल टू मतलब दिया है कि ऐसा हो सकता है, जब शुरुआत में बात की गई है कि पॉसिबिलिटी और एबिलिटी हो नहीं सकती है क्योंकि कैन नॉट दिया है, तो यहाँ पे आगे तो उसकी बात की ही नहीं जाएगी क्योंकि बी एबल टू भी दिया है आगे, तो सेंटेंस में है सुपरफ्लूअस की बात की गई, तो यहाँ पे सेंटेंस में बी एबल टू का कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी, तो यहाँ पे किसी चीज की एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आगे दोबारा से उसी बात को कह रहे हैं कि उसकी एबिलिटी है मतलब वो टू बी एबल टू, तो यहाँ पे उसके मतलब उसकी एबिलिटी है, जब शुरुआत में मना कर दिया है तो उसको दोबारा से वही चीज मतलब सुपरफ्लूअस की बात की गई है सेंटेंस में, इसलिए टू एबल टू को यहाँ पे हटा देंगे, इसको बी एबल टू को यहाँ पे हटा देंगे, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बी पार्ट में एरर था, आप इसको सही कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसमें जो है किस पार्ट में एरर है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है, मतलब कि इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरा ये कॉन्टेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।